चलिए गुड मॉर्निंग। आज हम रेडियस गेज के बारे में बात करेंगे। गेज के हमारा क्लास स्ट्रेट थ्योरी में गेज का चल रहा था, तो आज रेडियस गेज में कौन से गेज के बारे में बात कर रहे हैं? रेडियस गेज के बारे में। किसके बारे में? रेडियस गेज के बारे में। रेडियस गेज क्या है, उसका कार्य क्या है और रेडियस गेज की हमें आवश्यकता क्यों है? जब कभी भी हम ऑपरेशन कर रहे होते हैं, रेडियस गेज पहले नोट कर लेते हैं कि रेडियस गेज, ठीक है, जब कोई, ये हमारा जॉब रहा, चलो एक जॉब को बनाते हैं, उसके माध्यम से हम क्या करते हैं उसको समझने का कोशिश करते हैं। ये हमारा क्या हो गया? रेडियस गेज हो गया, रेडियस हो गया। अब इस तरह के जॉब हमको बनाना होता है, उस समय क्या करते हैं हम, जनरली फाइल का प्रयोग करते हुए ये कोना तो तैयार कर लेते, इधर तैयार कर लेते, ये सब तैयार कर लेते। ये रेडियस जब संपूर्ण क्या होता है हमारा, एक सेंटर से बना हुआ होता है, ये इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, ठीक है, ये पूर्ण रूप से क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। हम लोग को जब जॉब बना रहे होते या फिर कहीं भी मास प्रोडक्शन होता है, इंटरचेंजेबिलिटी का गुण रखना होता है, तो वहां पे क्या करेंगे, अगर इसको इक्वल बनाने के लिए कोई भी आंसर का प्रयोग किए बिना अगर हम इसको बनाएंगे तो क्या होगा, जिसका सेंस जिस हिसाब से कार्य करेगा उस हिसाब से हम रेडियस को क्या करेंगे, तैयार कर देंगे, और ये हमारा क्या होगा, रॉन्ग मेथड हो जाएगा, ठीक है। वो इक्वल हो, हम बनाए एक कारीगर, हम बनाए आप 500 कारीगर बनाए, सबका वो रेडियस समान होना चाहिए, सबके द्वारा बनाया गया वो कार्य आसानी से हो जाना चाहिए। हम जॉब बना रहे हैं, बनाते बनाते प्रैक्टिस हो गई है, थोड़ा बहुत रेडियस को हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, हम बिना रेडियस गेज का प्रयोग करते हुए ज्यादा एक्सपीरियंस जिसको हो गया वो बना लेता है, क्योंकि जब हम स्थायी मार्किंग करते हैं, उसको पंचिंग कर देते हैं, तो उसी में हमारा पूरा रेडियस बना हुआ होता है। तो जिसका ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है उससे भी बिना रेडियस गेज का प्रयोग करते हुए भी वो काम कर सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, इंडस्ट्री में कुशल वर्कर भी होता है और अकुशल वर्कर भी, कम पढ़े लिखे वर्कर भी होते हैं, तो सबसे कार्य लेना है। क्या करना है? सबसे कार्य लेना है, सब कोई आसानी से बना सके, सभी ट्रेनी बना सके, उसको रेडियस सब कोई अच्छे से कर सके। इसके लिए क्या किया गया, एक यंत्र का आविष्कार किया गया, यंत्र का निर्माण किया गया, जो क्या करता है, एक इक्वल शेप में जॉब को क्या करता है, जिस रेडियस में बनाना होता है उसी के शेप का वो पहले से बना हुआ होता है। जब हम इस पे फाइलिंग कर रहे होते हैं, ये जो टूल है, इस टूल का हम लोग प्रयोग करते हुए क्या करेंगे, इक्वली इसके रेडियस को हम लोग क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। तो जब हम इससे पूरा इक्वली ये शेप को तैयार कर सकते हैं, ये शेप हमारा कैसा है, रेडियस में है, शेप कैसा है हमारा, रेडियस में, ये टूल है, गेज है, रेडियस का शेप को तैयार कर रहा है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, रेडियस गेज। रेडियस तैयार करने में काम आता है, इसलिए रेडियस गेज। इसका प्रयोग करते हुए कोई भी ट्रेनी, कोई भी वर्कर, आप कुशल वर्कर सभी को क्या होता है, कम समय में आसानी से रेडियस को ये क्या करेगा, रेडियस बना लेगा, इसीलिए रेडियस गेज का हमें जरूरत पड़ा। तो रेडियस गेज का क्या यूज है, जो एक्सटर्नल या फिर इंटरनल रेडियस, एक्सटर्नल या फिर इंटरनल दोनों प्रकार के रेडियस को बनाने में ये हमारा क्या होता है, जरूरत पड़ता है, वो एक्सटर्नल हो या इंटरनल। एक्सटर्नल रेडियस ये हो गया, इंटरनल रेडियस ये, दोनों प्रकार के रेडियस बनाने के लिए जिस टूल का हमें जरूरत पड़ता है, हाई एक्यूरेसी में एक रेडियस बनाना हो, एकदम मास प्रोडक्शन करना हो, इंटरचेंजेबिलिटी का गुण उसमें होना चाहिए, इस तरह के रेडियस को बनाने के लिए, इस तरह के जॉब को तैयार करने के लिए जिस टूल का हमें जरूरत पड़ता है उसको हम लोग रेडियस गेज बोलते हैं, ठीक है। ये रेडियस गेज हमारे कुछ सेट्स में पाए जाते हैं। क्या होता है, कुछ सेट्स में पाए जाते हैं, सारे रेडियस को इकट्ठा करने के लिए क्या होता है, हमारा एक होल्डर भी होता है, जिसमें क्या होता है, क्लैंप के माध्यम से हमारा सारा रेडियस क्या होता है, रेडियस गेज हमारा क्या होता है,
लेंथ क्या होता है, जो एक साथ स्लॉटेड किया हुआ रहता है वो उसको इकट्ठा में हमारे साथ इसको इकट्ठा में बनाया हुआ रहता है। ठीक है, ये क्या करता है, इसका काम ही होता है पूरा इकट्ठा में रेडियल जो मेरा सेट में बना हुआ है इसको इकट्ठा में रखने का ही कार्य करता है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, रेडियस गेज हो गया। ठीक है, वो क्या होता है, सेट में पाया जाता है। तो भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार ये कितने साइज में पाया जाता है, तो इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार ये 0.6 mm से लेकर के 25 mm तक का रेडियस गेज उपलब्ध है। कितना, 0.6 mm से लेकर के 25 mm तक का रेडियस अगर हमको बनाना हो तो उसके लिए रेडियस हमारा इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार रेडियस गेज उपलब्ध है। तो ये 0.6 mm से लेकर के 25 mm तक का रेडियस गेज भी अलग अलग सेट में अलग अलग साइज के अनुसार बटा हुआ है, वो अलग अलग क्रम के अनुसार वो बढ़ता है। तो किस साइज में कितने के रेंज में होता है उसको भी हम लोग इसमें देखेंगे। तो पहले क्या होता है, हमारा रेडियस गेज क्या था उसको जाने, रेडियस गेज हमारा क्या होता है, सेट में पाया जाता है। रेडियस गेज का साइज क्या हो जाता है, 0.6 mm से लेकर के 25 mm तक हमारा ये रेडियस गेज पाया जाता है। इसका पिक्चर को एक बार अच्छे से देख लो। ठीक है, रेडियस गेज को और किस नाम से जाना जाता है, रेडियस गेज को फिलेट गेज के भी नाम से जाना जाता है। किस गेज के नाम से जाना जाता है, रेडियस गेज को फिलेट गेज के भी नाम से जाना जाता है। तो हमारा ये जो रेडियस गेज है इसका भी कुछ क्या होता होगा, मेटेरियल रहता होगा। क्या होता होगा, मेटेरियल रहता होगा। तो जितने भी गेज हैं वो हमारे किस चीज के बने होते हैं, एलॉय स्टील के बने होते हैं। जितने भी प्रकार के गेज हैं हमारे एलॉय स्टील, इसका मटेरियल क्या हो जाएगा हमारा, एलॉय स्टील का होगा। क्या होगा इसका मटेरियल, एलॉय स्टील होगा। इसका रेडियस गेज जो ये है इसका फेस को पॉइंट को क्या, हार्डनिंग वॉपिंग टेम्परिंग कर दिया जाता है, जिससे क्या हो, बार बार जॉब को चेक करने के टाइम में जो कॉन्टेक्ट फेस है उसका खराब ना हो। ठीक है, तो उसका रेडियस गेज क्या था वो हम लोग जान लिए, उसका मटेरियल जान लिए, उसका यूज क्या है वो जान लिए, इसका जरूरत क्यों पड़ा वो भी हम लोग जान लिए। अब इसका हम लोग साइज को देख लेते हैं। रेडियस गेज जो हमारा साइज सेट में पाया जाता है वो कौन कौन से साइज और कौन कौन से सेट में पाया जाता है। ठीक है, ठीक है, तो ज्यादा नहीं, वन बाय वन करते हुए उसको बताते चलेंगे, क्योंकि ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक ही दिन में ज्यादा बताते जाएंगे तो काफी दिक्कत होगा, तो वन बाय वन हम लोग लेके चलेंगे। जैसे हमारा सेट है तो सीरियल नंबर हो जाएगा, क्रम संख्या, उसके बाद दूसरा सेट देख लीजिए, उसके बाद क्या होगा, साइज, सेट और साइज। ठीक है, ये हम पहले कॉपी पेन में तुम लोग को भी नोट करते चलना। ठीक है, ये हो गया। अब इसको नोट करना है कौन से सेट का सीरियल नंबर, सेट और साइज। ठीक है, ये नोट करते चलना, रेड पेन से लिखेंगे अच्छा दिखेगा। जैसे देखो सीरियल नंबर 1 दे दिए, इसमें साइज कितना से कितना तक का आ गया हमारा, 0.6 से लेकर के 0.8 mm, सारा क्या है एमएम में। ठीक है, सारा क्या है एमएम में, साइज भी क्या है एमएम में। ठीक है, ये क्या है सारा एमएम में। ये कितना, फर्स्ट सेट में कितना से 0.6 mm से लेकर के 0.8 mm तक का सेट में हमारा पाया जाता है। ये 0.6 mm से लेकर के 8 mm तक का सेट में इसका जो साइज होता है वो क्या होता है, ये इसका साइज में कोई अंतर नहीं होता, 0.6 से लेकर के 0.8 ही होता है, दो ही साइज में ये हमारा पाया जाता है। अब दूसरा इसका सेट देखते हैं, दूसरा सेट क्या आता है, क्रम टू में कितना आता है, 1 से लेकर के 6 mm तक, 1 mm से लेकर के 6 mm तक। ठीक है, 1 mm से लेकर के 6 mm तक, तो 1 mm से लेकर के 6 mm तक का ये साइज, यहाँ पे ये सेट है, पहला सेट में 0.6 से 0.8
8 mm तक, दूसरा सेट 1 mm से लेकर के 6 mm तक। तो 1 mm से 6 mm का सेट में क्या क्या साइज में पाया जाता है, क्योंकि 1 mm 2 mm 3 mm इस तरह का होगा, तो छोटे साइज का जो रेडियस रहेगा उसको हम कैसे चेक कर पाएंगे, 1 mm से बड़ा और 6 mm से छोटा, ठीक है। उसका साइज हमारा किस प्रकार से बढ़ता है, ये हमारा क्या होता है, 1.2, 1.6, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 इस तरह के रेंज में क्या होता है हमारा, ये सेट में बटा हुआ होता है। यहाँ पे इसको गौर करना है, एमएम में है, ठीक है, एमएम इसको देखना है। जैसे हम रेडियस गेज हमको 1.14 का चाहिए, तो यहाँ पे कौन सा सेट को हम लोग चूज करेंगे, सेट टू का लेंगे, तो उसमें हमारा क्या होगा 1.2 हो जाएगा, 1.4, 1.6, 1.8 इस तरह करके 0.2 का सीरियल में बढ़ा हुआ मिल जाएगा। 2 चाहिए, 2.5, 3, 4, 5 जिस तरह का रेंज में चाहिए हमारा इस सेट में क्या होता है, उपलब्ध होता है। किसमें, 1 से 6 mm तक का सेट में आपको 0.2 mm तक का छोटा भी डायमेंशन को हम लोग इस रेडियस गेज से कर सकते हैं। 1.2 है, 1.4 है, इस तरह का चेक हो जाएगा, 1.6, 1.8 और 0.5 का भी कराने इसी के अंदर टूटा हुआ होता है, यानी कि 1 से 6 mm तक के बीच में क्या होता है, 0.2 के एमएम में भी हमारा सेट उपलब्ध होता है, 0.5 के रेफरेंस में भी, रेंज में भी हमारा ये उपलब्ध होता है। 0.2 का रेंज में भी कोई भी साइज चेक करना होगा तो उसको चेक करते हुए बना सकते हैं, 0.5 का भी रेंज में इसमें बनाना हो तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या था, सेट टू। अब सेट थ्री में क्या हो जाएगा, जब हमारा टोटल होता ही कितना है, 0.6 से लेकर के 25 mm, दूसरा तक में मेरा 6 mm ही गया, तो तीसरा का स्वाभाविक है 6 से आगे जाएगा, 6 से करके 25 mm, 6 से लेकर के 25 mm, 6 वहीं पे आ गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 6 तो वहीं पे हो गया उसी में, 8 से लेकर के 25 mm, तो इसका साइज हमारा कैसे बढ़ेगा, इसका साइज हो जाएगा 8, 10, 12, 14 ऐसे ही करके 16, 18, 20 का सेट में, 20, 25 इसी तरह का सेट में ये हमारा क्या होता है, पाया जाएगा, ठीक है। 20, 22, 25 कुछ भी जो होगा, यानी कि इसमें क्या होगा, पॉइंट का सेट में नहीं आता, 8 mm से बड़ा साइज का अगर रेडियस चेक करना है, क्या होगा, 8, 9, 10, 12 इस तरह का होगा, 1 mm का रेंज में वो हमारा सेट में उपलब्ध होता है। तो 1 mm के रेंज में जो भी होगा उसको हम लोग इससे इस रेडियस गेज से चेक कर पाएंगे। जैसे 9 mm का होगा तो इसमें चेक करेंगे, 10 mm का रेडियस अगर बना रहेगा तो सेट नंबर 3 का रेडियस का प्रयोग करेंगे, 18 भी दे देगा तो सेट 3 का प्रयोग करेंगे, अगर 4 रेडियस बनाना है तो सेट 2 साइज का हम लोग क्या करेंगे, 4 वाले साइज को खोलेंगे उसको होल्डर से और उसको हम लोग बनाएंगे। जब प्रैक्टिकल यहाँ क्लास में करेगा तो उसको हम लोग प्रैक्टिकली, एक लेसन चल रहा है डेमोस्ट्रेशन में, हम उसको प्रैक्टिकली चेक करते हुए दिखाएंगे, जॉब जब बनाएगा उस टाइम बताते हुए इसको काम करेंगे, ठीक है। तो हम रेडियस गेज को देख लिए, इसका साइज वगैरह को सब देख लिए, ठीक है। तो आज जो इसमें बताए ये तो हम लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया, कोई दिक्कत इसमें, इसमें किसी प्रकार का दिक्कत रहता है कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करें, ठीक है। ठीक है, फिर मिलते हैं हम अपना नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।